बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरवाफिये से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट की हुई है EAD लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट, और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके लिखें के नॉलेज, फिर आप प्लेलिस्ट में आएंगे और जो ये लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है ना EAD लेक्चर्स की, इसको आप वेरी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे हो चुके हैं 10 लेक्चर्स और आज हमारा है लेक्चर नंबर 11। तो आज का टॉपिक है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एंटरप्राइज बीन। ये बेसिकली काफ़ी इजी टॉपिक है। इसमें जो हमने तीन चीज़ें सेशन बीन, एंटिटी बीन, मैसेज ड्रिवन बीन, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली हुई है। आप इसे एक मरतबा रीड आउट करें। अगर आपको कोई भी क्यूरी होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंटरप्राइज बीन्स आर नॉट फुल फ्लेज्ड रिमोट ऑब्जेक्ट्स। जो इंटरप्राइज बीन्स हैं वो हमारे पास मुकम्मल तौर पर रिमोट ऑब्जेक्ट्स नहीं है। Client wants to use an instance of Enterprise Bean class. जब भी क्लाइंट जो है Enterprise Bean का instance यूज करना चाहता है, the client never invokes the method directly on an Enterprise Bean class. तो जो क्लाइंट है वो कभी भी directly Enterprise Bean class से access नहीं ले सकता, उसे call नहीं कर सकता। Invocation is intercepted by the EGB container and then delegated to the Bean instance. सबसे पहले क्या किया जाता है कि जब हमारी रिक्वेस्ट आती है, जो इंटरसेप्ट होती है ना, जो हमारी रिक्वेस्ट को रोकती है, वो कौन रोकती है? EJB कंटेनर। EJB कंटेनर अपना काम करने के बाद फिर बीन इंस्टांस को प्रोवाइड कर दिया क्लाइंट की रिक्वेस्ट। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्वेस्ट इंटरसेप्शन दैट वी टच्ड ऑन अर्लियर। बाय इंटरसेप्टिंग रिक्वेस्ट EJB कंटेनर कैन परफॉर्म इम्प्लिसिट मिडलवेयर। क्या कहते हैं कि अब बात यह है ना कि जब हमारी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई तो फिर EJB कंटेनर ने उसे इंटरसेप्ट क्यों किया, उसे क्यों रोका? EJB कंटेनर ने इसलिए रोका ताकि वो जो बिल्ट इन सर्विसेज हैं, मिडलवेयर सर्विसेज हैं, उसको परफॉर्म कर सके। ठीक है, एज अ कंपोनेंट डेवलपर दिस मीन्स योर लाइफ इज सिंप्लीफाइड ग्रेटली बिकॉज यू कैन रैपिडली डेवलप कंपोनेंट्स विदाउट राइटिंग, डिबगिंग और मेंटेनिंग कोड। That was middleware. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था implicit और explicit. Explicit में हमें क्या होता था कि APIs को यूज़ करने के लिए हमें कोड लिखना पड़ रहा था, लेकिन अब EJB कंटेनर क्या करता है कि वो जो तमाम काम थे वो खुद ही परफॉर्म कर देता है। हमें कोई भी कोड को राइट करने की, डिबग करने की या उसे मेनटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। implicit distributed transaction management. जो ट्रांजेक्शन इनेबल यू टू परफॉर्म रोबस्ट डिटर्मिनिस्टिक ऑपरेशन इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट बाय सेटिंग एट्रीब्यूट्स ऑन योर इंटरप्राइज बीन्स। कि जो ट्रांजेक्शन होती है वो क्या करती हैं, हमें स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिनिस्टिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के में मदद देती हैं। कहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में। C++ में पढ़ा होता है कि अगर हमने एड नाम का एक फंक्शन को डिफाइन किया, उसे पैरामीटर्स ए और बी दिए हैं, इंटीजर ए और बी करके, और यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन की है, अब अगर हम मेन फंक्शन में जाके इसे कॉल करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? ये बात नेसेसरी है, ज़रूरी है कि हम इसको भी दो पैरामीटर्स पास करें। अगर हम दो पैरामीटर्स पास नहीं करेंगे तो फिर ये इसको कॉल नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या होता है कि हमने सिर्फ अपने एट्रीब्यूट्स को सेट करना है और बाकी काम जो है ना वो खुद ब खुद हो जाएगा EJB कंटेनर की हेल्प से। ये इतना ही रीड आउट करते हैं। और सेकेंड हमारे पास सिक्योरिटी, implicit security. Security is a major consideration for a multi-tier deployment. अब हमें पता है कि जो हमारा काम है वो मल्टी लेयर्स में है, और जो हमारा काम है वो मल्टीपल लेयर्स पे पड़ा हुआ है। अब जब हमारा काम मल्टीपल लेयर्स पे पड़ा है तो हमें उसकी सिक्योरिटी का भी तो ध्यान रखना है ना। कि हमारा टू प्लेटफॉर्म ने क्या किया है कि हमें रोबस्ट सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड की है। कैसे प्रोवाइड किया है? कि ऑथोराइज और ऑथेंटिकेट करता है यूजर, डैट कैन ऑथोराइज एंड ऑथेंटिकेट यूजर्स, की देखता है कि हमारे यूजर्स ऑथोराइज हैं और ऑथेंटिकेट हैं। सिक्योरिंग डिप्लॉयमेंट फ्रॉम अनवांटेड विजिटर्स, अनवांटेड जो विजिटर्स होता है उससे हमारी डिप्लॉयमेंट को सिक्योर करता है। ये जो रिस्पॉन्स है, implicit resource management and component life cycle. The EJB container implicitly manages resources for your enterprise beans. कि जो EJB container है वो क्या करता है कि जो हमारे resources हैं उसको manage करता है। कौन से resources हो सकते हैं? threads, sockets, database connection, ये सब हमारे पास resources हैं, और इसे अच्छे तरीके से manage करना किसका काम है, ये भी हमें EJB container ही provide करता है। अब the life cycle of the enterprise beans themselves is also managed. अब किसकी किस
रिसोर्स की लाइफ साइकिल कितना होगा ये कौन मैनेज करता है? HB कंटेनर, अलाइन HB कंटेनर टू रीयूज द इंटरप्राइज बीन इंस्टॉन्सेज एज नेसेसरी। अब HB कंटेनर हमें ये भी हमें अलाउ देता है कि अगर हम इंटरप्राइज बीन के इंस्टॉन्सेज को दोबारा यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर ज़रूरी है तो हम वो भी कर सकते हैं। अब इम्प्लिसिट परसिस्टेंस क्या है? परसिस्टेंस इज़ अ नेचुरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी डिप्लॉयमेंट दैट रिक्वायर्स परमानेंट स्टोरेज। परसिस्टेंट होता है मुस्तकिल मिजाजी साबित कदमी के साथ, कि हमें हम क्या चाहते हैं कि अगर हमने अपना कोड जो है वो अपने कंप्यूटर से उठा के उधर सर्वर पर रखा है तो क्या हो कि हमारा डाटा ऐसा ना हो कि हमने एक दो महीने पहले रखा था और अगर हम एक दो महीने बाद जाके विजिट करें तो हमारा डाटा ही डिलीट हो जाए। ठीक है, हमें क्या चाहिए होता है कि अगर हम आज डाटा रखते हैं तो बेशक हम 6, 7, 8 कभी भी हम अपनी ज़िंदगी में एक्सेस करें तो वो हमारा डाटा हमें वहीं पे मिलना चाहिए। ये हमारी एक नेचुरल सी रिक्वायरमेंट है। द HB कंटेनर HB ऑफर्स असिस्टेंस हेयर। HB हमें यहाँ पे मदद प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिकली सेविंग परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट डाटा, कि जो हमारा परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट का डाटा होता है उसे अंडरलाइंग स्टोरेज में स्टोर कर लेता है, सेव कर लेता है एंड रिट्रीविंग दैट डाटा एट अ लेटर टाइम, और हम बाद में अपनी ज़िंदगी में जब भी हमें वो डाटा चाहिए हो हम वो एक्सेस कर लेते हैं, रिट्रीव कर लेते हैं। अब इम्प्लिसिट रिमोट एक्सेसिबिलिटी। योर इंटरप्राइज बीन क्लास कैन नॉट बी कॉल्ड अक्रॉस द नेटवर्क। आप क्या कह रहे हैं कि जो आपकी इंटरप्राइज बीन क्लास है, ये वाली जो आपकी इंटरप्राइज बीन क्लास है, इसको हम नेटवर्क के ऊपर कॉल नहीं कर सकते। कैन नॉट बी कॉल्ड अक्रॉस द नेटवर्क डायरेक्टली बिकॉज द इंटरप्राइज बीन क्लास इज नॉट नेटवर्क इनेबल्ड, क्योंकि इंटरप्राइज बीन क्लास हमारे पास नेटवर्क इनेबल्ड नहीं है। Your HB containers handle networking for you by wrapping your bean in a network-enabled object. अब HB container क्या करता है कि जो हमारी ये element enterprise bean है उसको wrap करता है network-enabled object में। ठीक है, the network-enabled object receives call from the clients। जो network-enabled object होते हैं वो क्या करते हैं कि client से call लेते हैं and delegates these calls to instances of your bean class, और फिर जो आपकी delegates these calls और फिर किसको देता है, आपके enterprise bean के जो instances हैं उसको जो clients की call receive होती है वो सौंप दी जाती है, provide कर दी जाती है। This saves you from having to worry about networking issues। अब हमें HB container की वजह से अब networking issues के जो issue था उसके बारे में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह है implicit support की। ये क्या है implicit support? HB containers automatically handle concurrent request from clients, कि अगर multiple clients से multiple request एक ही वक्त में आ जाती हैं तो HB container उसको भी handle कर सकता है। HB container provides you built-in thread support, कि जो हमारे पास thread होता है ना, कि जो thread आपने पढ़ा होगा operating system में क्या होता है कि जो thread की flexibility है ना, thread की support है, ये भी हमें HB container built-in प्रोवाइड करती है। क्या करता है? इंस्टेंशिएटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ योर कंपोनेंट सब एज नेसेसरी। जितनी हमारी कॉपीज की कंपोनेंट की कॉपीज हमें ज़रूरी होती हैं वो बनाता है। बाय इंस्टेंशिएटिंग लॉट ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ योर इंटरप्राइज बीन, और फिर क्या करता है, इंटरप्राइज बीन्स के लॉट ऑफ इंस्टेंसेस को इंस्टेंशिएट करता है। फिर क्या होता है, पुशिंग वन थ्रेड थ्रू ईच इंस्टांस, और हर इंस्टांस को एक एक थ्रेड जो है पुश कर दिया जाता है ताकि सारे अपने काम करवा सकें। ठीक है, तो अब आती है इम्प्लिसिट कंपोनेंट लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का हमने कंप्लीट लेक्चर था इसके ऊपर, ये हमने देख लिया प्रीवियस लेक्चर में। क्लाइंट्स ऑफ कंपोनेंट्स आर डीकपल्ड फ्रॉम स्पेसिफिक वेयर अबाउट्स ऑफ द कंपोनेंट बीइंग यूज्ड। क्लाइंट को नहीं पता होता कि वो जो कंपोनेंट को यूज़ कर रहा है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, उसे कोई इससे गर्ज नहीं होती कि मेरा काम कहाँ से हो रहा है, इस्लामाबाद से हो रहा है, लाहौर से हो रहा है, कराची से हो रहा है, उसे कोई सरोकार नहीं है। इम्प्लिसिट मॉनिटरिंग क्या है? HB कनेक्ट करता है विच मैथड्स आर इनवोक, के कौन से मैथड को कॉल किया जा रहा है। डिस्प्ले अ रियल टाइम यूजेज ग्राफ ऑन अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और जो हमारा ग्राफ है कि हमारी चीज़ें कितनी यूज़ हुई हैं, कितने काम यूज़ हुए हैं, कितना ट्रैफिक आया है, ये तमाम चीज़ों का जो ग्राफ है रियल टाइम ग्राफ है ये हमें दिखाता है HB कंटेनर। गैदर डाटा फॉर इंटेलिजेंट लोड बैलेंसिंग,
और जो ट्रेनर है ना उसको ये तमाम स्टेप जो है ना परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ एवर हाई एंड कंटेनर्स के जो इजीबी कंटेनर्स होते हैं ना जो हमारे रिक्वेस्ट क्लाइंट की तरफ से आती है और फिर वो इजीबी कंटेनर से कॉल कर रोक देता है, तो जब उस कॉल पर रोकता है ना फिर ये तमाम जितने भी काम हैं ये ऑटोमेटिकली उसी टाइम परफॉर्म कर दिए जाते हैं। थर्ड सी इज बी कंटेनर एक्ट्स एज अ लेयर ऑफ इनडायरेक्शन बिटवीन द क्लाइंट कोड एंड द बीन। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास ये क्लाइंट कोड है और ये हमारे पास बीन है इसके दरमियान ये जो इज बी कंटेनर है ना ये बेसिकली क्या है, ये इनडायरेक्शन लेयर है, इंटरमीडिएट लेयर है। दिस लेयर ऑफ इंटरेक्शन मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज अ सिंगल नेटवर्क अवेयर ऑब्जेक्ट कॉल्ड एन इज बी ऑब्जेक्ट, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इजी भी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। है उसे पता है नेटवर्किंग के बारे में, ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी एंड मोर। इट इज़ एन इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट, ये एक हमारे पास इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट है दैट नाउज हाउ टू परफॉर्म इंटरमीडिएट लॉजिक दैट द इजी भी कंटेनर रिक्वायर्स बिफोर अ मेथड कॉल बाय अ बीन्स क्लॉज इंस्टेंस। तो ये जितने भी काम इसमें हमने देखे हैं ये बेसिकली कौन परफॉर्म करता है, ये इज बी ऑब्जेक्ट ही परफॉर्म कर देता है। ठीक है, जब जो है क्लाइंट जो है बीन से रिक्वेस्ट करता है क्या होता है कि जब ये बीन जो है जब ये क्लाइंट है जब ये बीन से रिक्वेस्ट करता है तो इज बी कंटेनर ने जितने भी काम करने होते हैं, कौन सा मेथड कॉल हुआ, रियल टाइम ग्राफ, जो जो से भी उसने काम करने होते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इज बी ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर देता है, क्योंकि इज बी ऑब्जेक्ट हमारे पास एक इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट है। यू शुड थिंक ऑफ इज बी ऑब्जेक्ट एज अ फिजिकल पार्ट ऑफ द कंटेनर, कि आप क्या करें कि इज बी ऑब्जेक्ट को एक फिजिकल पार्ट की तरह कंसीडर करें कि ये कंटेनर के अंदर एक फिजिकल पार्ट है और वो जो फिजिकल पार्ट है उसे हम इज बी ऑब्जेक्ट करना है, ये आपने सोचना है, इमेजिन करना है। ऑल इज बी ऑब्जेक्ट्स हैव अ कंटेनर स्पेसिफिक कोड इनसाइड ऑफ देम, कि देखिए ना कि इस कंटेनर का कोड अलग होगा और दूसरा अगर कोई कंटेनर है तो उसका कोड अलग होगा, तो इसके जो इज बी ऑब्जेक्ट होगा वो इसके कंटेनर स्पेसिफिक कोड रखेगा, और अब ये जो हमारे पास इज बी ऑब्जेक्ट है वो इस कंटेनर के स्पेसिफिक जो कोड है वो इस इज बी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, बिकॉज ईच बीन इज बी ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, योर कंटेनर वेंडर जनरेट्स ए क्लास फाइल फॉर योर इज बी ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली। Each JB container ships with the suite of glue code tools. Integrate beans into each JB container environment. के जो हमारे पास ये बीन्स होते हैं इसको इज बी कंटेनर इन्वायरमेंट में करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास कौन से टूल्स यूज होते हैं, ग्लू कोड टूल्स। जो बीन प्रोवाइडेड है उसे डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट द स्पेसिफिक्स ऑफ हाउ इज बी कंटेनर वर्क्स। अब बीन प्रोवाइडेड को इस बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि इज बी कंटेनर कैसे वर्क करेगा, क्योंकि बिकॉज ए कंटेनर टूल जनरेट इट्स ओन प्रोप्रिएटरी जावा कोड ऑटोमेटिकली। अब क्या होता है कि जो कंटेनर टूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो जावा का कोड होता है ना, प्रोप्रिएट कोड जो उन्हें चाहिए होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते हैं। द कंटेनर ग्लू कोड टूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एन इंटरप्राइज बीन टू अ फुली मैनेज डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर साइड कॉम्पोनेंट। अब क्या होता है जो कंटेनर ग्लू कोड टूल्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर जो इंटरप्राइज बीन को होता है ना वो इंटू फुली मैनेज डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर साइड कॉम्पोनेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दिस इन्वॉल्व्स लॉजिक टू हैंडल रिसोर्स मैनेजमेंट, लाइफ साइकिल, स्टेट मैनेजमेंट, ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी, परसिस्टेंस, रिमोट एक्सेसिबिलिटी एंड मैनी अदर सर्विसेज। यू जनरेट कोड हैंडल दी सर्विसेज इन द कंटेनर प्रोप्रिएटरी वे। ये सारा काम कौन करता है, ग्लू कोड टूल्स। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक था, होप सो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो DM यू ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।